जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज इस वीडियो में देखेंगे 11th ट्रिग्नोमेट्री 15 ई एक्सरसाइज या उसको 2E के लिए उसका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है प्रूव दैट cot x by 2 minus tan x by 2 is equal to 2 cot x, है ना? तो साबित करना हमें, तो बताओ LHS क्या है? LHS हो गया cot x by 2 minus tan x by 2। अच्छा बताओ आप cot को लिख सकते हो क्या? cos x by 2 by sin x by 2। उसी तरह tan x by 2 को क्या लिखेंगे? sin x by 2 के बट्टा में हो गया cos x by 2। ओके ओके, अब इसका भिन्न घटाव करो तो क्या होगा? sin x by 2 into cos x by 2। sin से sin कट रहा है, cos x by 2 से गुना होगा तो हो गया cos square x by 2 minus cos x by 2 से कट रहा है तो sin x by 2 से गुना होगा तो हो गया sin square x by 2। ठीक है, जरा ध्यान से देखना cos थीटा का तीन फॉर्मूला। पहला था cos square थीटा by 2 minus sin square थीटा by 2, दूसरा था 2 cos square थीटा by 2 minus 1, और एक था 1 minus 2 sin square थीटा by 2। तो ये लग रहा है ना cos थीटा मतलब cos x का, ऊपर हो गया cos x और नीचे है sin x by 2 into cos x by 2। जरा ध्यान से देखना ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? जी हां है। अगर दो से गुना कर दे ऊपर और नीचे तो ये हो गया sin x का, sin थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। थीटा होगा तो थीटा by 2, x है तो x by 2। इस तरह से हो गया 2 cos x ऊपर और नीचे जो है ना वो sin x हो गया। अब बताओ भाई 2 cos by sin cot x होगा क्या? वही तो हमारा RHS है प्रूव। तो साबित करना हमें कि tan parallel 4 plus x by 2 is equal to tan x plus 6 x। तो ऐसा होता है कि अगर प्रूफ करने वाला रहता है ना क्वेश्चन, तो उसके रूल हैं कि या तो आप LHS तोड़ के RHS के बराबर कर दीजिए या फिर RHS तोड़ के LHS के बराबर कर देंगे, है ना? तो जो आराम से निकल जाए, जो आसान हो, हम उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसा करता हूं RHS लेके चलता हूं, है ना? तो RHS क्या है? tan x plus sec x, है ना? tan को लिख सकते हैं sin x by cos x, plus sec को लिखेंगे 1 by cos x। इसका भाई बीनजोर करो तो लघुत्तम होगा cos x, ये हो गया sin x plus 1, है ना? या इसको 1 प्लस sin x लिख सकते हैं और नीचे तो cos x हो गया, एक मिनट और लिखेंगे तो 1 प्लस, अच्छा sin x, इसको लिखने के लिए हम ऐसा कर सकता हूं कि cos 90 sin 90 minus x। अब बताओ भाई क्या हो गया? ये 1 प्लस cos थीटा हो जाता है 2 cos square थीटा by 2 अर्थात 5 by 4 minus x by 2। कैसे? तो इतना के बट्टा जब दूर करेंगे तो यही होगा ना, फिर sin थीटा तो उसका होता है 2 sin थीटा by 2 मतलब 5 by 4 minus x by 2 into cos 5 by 4 minus x by 2। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल, cos के साथ 1 cos कैंसिल, ऊपर स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया 1 2 cos ऊपर बचा है तो sin, तो हो गया cos 5 by 4 minus x by 2। ये हमारा आंसर तक पहुंच गया, लेकिन आंसर tan में है आया cot में, तो नो प्रॉब्लम cot को tan में बदल दीजिए। कैसे? तो cot थीटा बराबर tan 90 minus थीटा 5 by 4 minus x by 2। अब क्या हो गया? ये tan 5 by 2 minus से गुना करो minus 5 by 4 minus minus plus x by 2। क्या हो गया? ये tan, ओके 90 माइनस 45 हो गया 45 और प्लस में x by 2, यही तो LHS है अपना। आज नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबित करो रूट अंडर 1 प्लस sin x by 1 माइनस sin x इज इक्वल टू tan पैरेलल 4 प्लस x by 2। कुछ नहीं करना हमें, बस LHS लेके चलिए, है ना? तो क्या है LHS? LHS हो गया रूट अंडर 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। अच्छा भाई एक चीज आप जानते हैं, प्रेमीकरण तो जानते हैं ना रूट के अंदर में, तो 1 प्लस sin x by 1 minus sin x तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स। अब बताओ ऊपर क्या हो गया, हो गया वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ओके, और नीचे है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब हो गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ओके। ऊपर हो गया वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर जो हो जाता है कॉस स्क्वायर। अगर इसको रूट से बाहर करो तो ऊपर वाला सीधा वन प्लस साइन एक्स होगा स्क्वायर की वजह से, और ये कॉस स्क्वायर की वजह से सीधा कॉस एक्स होगा। अब ध्यान से देखना जो सात नंबर यही आया था, अब क्या करेंगे इसको वन प्लस साइन को फिर से कॉस बनाएंगे, कॉस नब्बे माइनस एक्स, बट इस कॉस को साइन बनाएंगे तो साइन नब्बे माइनस एक्स। सोचेगा कि क्यों बना रहे इसको हम, अगर साइन को कॉस में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हमें वन प्लस साइन थीटा नहीं पता है, लेकिन वन प्लस कॉस थीटा पता है, फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इसलिए इसको कॉस बना दिए। अब उसी तरह साइन साइन थीटा का पता है, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, लेकिन कॉस का नहीं, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते, ठीक है। अब देखा जाए क्या है, वन प्लस कॉस थीटा क्या हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो इतना बट्टा दो करेंगे तो हो गया एक्स बाय टू। उसी तरह साइन थीटा का होता है टू साइन थीटा बाई टू और इंटू में कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। देखो टू के साथ टू कैंसिल, कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस बाय साइन हो गया कॉट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अब कॉट आया लेकिन टेन चाहिए, तो वही बात, इसको टेन में बदलो, टेन नब्बे माइनस थीटा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, क्या हो गया टेन नब्बे माइनस से बना करो माइनस पाई बाय फोर माइनस माइनस प्लस एक्स बाय टू, क्या हो गया ये टेन नब्बे माइनस पैंतालीस हो गया पैंतालीस और प्लस एक्स बाय टू, यही तो आरएचएस है। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, साबित करो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू सेकेंड्स, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले कि एलएचएस क्या है, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। अब जरा देखना, ये लग रहा है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और ये लग रहा है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। अब टेन ए प्लस बी का अप्लाई करो तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए और इंटू टेन बी, चलेगा। फिर उसी तरह प्लस टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए और इंटू टेन बी, है ना। इसको अलग कैलकुलेट कीजिए तो देखिए क्या हो गया, वन प्लस टेन एक्स बाई टू फिर बट्टा में वन माइनस, अच्छा टेन बाय फोर वन हो गया इंटू में टेन एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये हो गया वन माइनस टेन एक्स बाय टू बाय वन प्लस वन इंटू टेन एक्स बाय टू। अब जरा ध्यान से देखना, ये हो गया वन प्लस टेन एक्स बाय टू, अच्छा वन से गुना है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वन माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस वन माइनस टेन एक्स बाय टू बाय वन प्लस टेन एक्स बाय टू। अब एलसीएम लो इसका तो क्या हो गया, ये वन माइनस टेन एक्स बाय टू इंटू वन प्लस टेन एक्स बाय टू होगा, क्योंकि एक बार दोनों माइनस में एक बार दोनों प्लस में, अच्छा देखो इससे ये तो कट रहा है ना, तो इससे इसको गुना होगा, यानी हो गया वन प्लस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब इससे ये कट रहा है तो इससे गुना होगा, तो फिर हो गया वन माइनस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर हो गया माइनस में टू ए बी, चलेगा। अब देखा जाए बट्टा में क्या हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जरा देखना माइनस और ये प्लस कट गया, वन और वन मिलके टू और टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर मिलके टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके। नीचे हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, दो अगर कॉमन ले तो हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू
के बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। जरा गौर से देखिएगा आप, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू से ऊपर नीचे सब में भागा दे दें तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू से भागा, उसी तरह इसमें भी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू से भागा। ये तो कटा, इसका फॉर्मूला जो है ना देखिए क्या होता है, ये तो हो गया ऊपर में 2 इंटू कुछ नहीं तो 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, डायरेक्ट कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस का, टेन के टर्म में बताए थे ना यही तो होता था। अब देखो भाई कॉस गया ऊपर तो 2 सेक एक्स हो गया ना, यही तो हमारा आरएचएस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर है कि प्रूव दैट साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाय टू। ठीक है तो चलिए एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया आपका साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। जी हाँ साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा चुका हूं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, उसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। बाबू 2 के साथ 2 कटा, कॉस स्क्वायर के साथ एक और गया, क्या बचा आपका साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, एक बच गया ना जो दोनों मिलके हो गया टेन एक्स बाय 2, यही तो हमको चाहिए भी। इस तरह से 11th एक्सरसाइज 15E एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन थ्योरी सहित हमने सीखा, थ्योरी को हमने साबित भी कर चुका हूं, और इसी तरह 15A से स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री से सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो आप पहले शुरू से पढ़ लीजिए ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।